हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल द साईफाई जोन। तो गाइस, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कुछ लैब में यूज़ होने वाली चीज़ें, उनके बारे में कि उनको कैसे यूज़ करा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा फनल। फनल गाइस इस चीज़ को बोलते हैं। देखो, ये होती है गाइस फनल। फनल का ये यूज़ होता है जैसे कि आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें कि आपको कुछ लिक्विड सॉल्यूशन डालना है, तो इसे आप ऐसे करके लिक्विड सॉल्यूशन डाल सकते हैं। तो गाइस, ये रोल होता है फनल का हमारे लैब में। और अब हम यूज़ देखेंगे कि बीकर का यूज़ होता है। तो गाइस, बीकर का यूज़ इस चीज़ के लिए होता है, हमें किसी भी चीज़ को नापना है, यानी कि हमें एक रिएक्शन में 25 ml वाटर लग रहा है तो हमको इसमें वाटर डाल देंगे। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 25 ml का ये मार्क, तो यहाँ तक वाटर फिल कर लेना है और फिर इसे हम हमारे कॉनिकल फ्लास्क में डाल सकते हैं हमारी रिएक्शन के लिए। तो ये यूज़ होता है इस बीकर का। तो आप देख सकते हो बीकर कुछ इस टाइप का आता है। अब हम बात करेंगे गाइस एक ड्रॉपर की। तो गाइस, ड्रॉपर किसे बोलते हैं? ये दिख रहा है आपको ड्रॉपर गाइस, इस पर भी लेबलिंग हुई रहती है, आप लोगों को दिख रही होगी शायद। तो भाई, इस पर भी लेबलिंग रहती है आपको, जैसे कि कितना ml चाहिए। जैसे कि हमें 1 ml चाहिए, तो ये यहाँ से हम इसे 1 ml तक फिल कर सकते हैं। 1 ml तक फिल करा और फिर हमारी रिएक्शन में डाल दिया। तो इसका ड्रॉपर का यूज़ भी आपको समझ में आ गया होगा गाइस। गाइस, इसको टेस्ट ट्यूब होल्डर बोलते हैं। ये टेस्ट ट्यूब को होल्ड करके रखता है। जैसे कि हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब है, हमको इसको किसी गर्म चीज़ में, मतलब हमें इसको गर्म करना है। तो गाइस, हम इसको कुछ इस टाइप से टाइट करेंगे आगे और ये लॉक हो जाएगा। फिर आप आपकी रिएक्शन कर सकते हैं गाइस। ये देखो, फिर जैसे कि यहाँ पर अपना बर्नर जल रहा है, इसके ऊपर हमने रख दिया, ऐसे पकड़ के रखे हैं ताकि हमारा जो टेस्ट ट्यूब के अंदर का सॉल्यूशन है उसको अपन गर्म कर सके। तो गाइस, यही कुछ था वाली वीडियो में। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक करना, और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।